स्लीपिंग फिश अवेक फिश। इमेजिन कीजिए कि इस तरह का एक्वेरियम आपके पास है, इन एक्वेरियम में जो मछलियां हैं उनके लिए दुनिया ये एक्वेरियम ही है, वही उनकी दुनिया है। आप उनका देखरेख कर रहे हैं, आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं देखें ये सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, नींद में है या नहीं। और इसका डायग्नोस्टिक तरीका निकाला आपने ये देखने के लिए कि ये सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, आप उसको पकड़ के उसकी आंखों को देखेंगे तो क्या होगा? अगर वो सो भी रहे होंगे तो जग जाएंगे, आप बोलेंगे देखा ये जगा हुआ था, मुझे पहले ही लग रहा था। अच्छा देखते हैं ये वाला फिश सो रहा है कि नहीं सो रहा है, फिर क्या करेंगे आप? दोबारा उसको पकड़ेंगे और जैसे ही पकड़ के देखेंगे वो तो जगा ही मिलेगा ना छटपटाता हुआ, तो आप फिर बोलेंगे देखा ये तो जगा हुआ है। ऐसा करो एक एक फिश को देखो, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ। तो यहां पे एक समझने वाली बात है, द मोमेंट यू ट्राई टू डायग्नोस, जो आप स्वामी जी ने बोला, जैसे ही आप छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे सोचेंगे भी तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ उल्टा बदलाव आएगा ही। इस बात को समझना जरूरी है, नॉट ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लड प्रेशर। जैसे ही बोलेंगे, डॉक्टर बोलता है ब्लड प्रेशर चेक करना है, वो सोच ही अपने आप में बॉडी में भयंकर बदलाव लाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसको साइंटिफिकली समझना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हो रहा है वो आपके बॉडी के साथ हो रहा है। किस तरह से हो रहा है वो समझ जाएं, ताकि अगली बार डिसीजन क्या लेना है वो आपको पता होगा। एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो थोड़ा समझिए। पहला नियम पे हम हैं, जब भी आपके दिमाग में ये रहता है कि मेरे साथ कुछ पुअर आउटकम होने वाला है, चाहे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, क्या पता मेरा ब्लड शुगर बढ़ा है, जब कोई बोलता आपका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करेंगे तो सोच यही है ना कि कहीं बढ़ा हुआ ना हो। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि बढ़ा है या नहीं है, ये सोच देख लें कहीं बढ़ा हुआ ना हो, ये सोच देख लें कि मेरा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ ना हो, चाहे वो बढ़ा नहीं हो। जब भी आपके दिमाग में एक शंका आती है, एक क्वेश्चन मार्क आता है अपने हेल्थ के संदर्भ में, या तो आप लाते हैं या कोई बोलता आगे से, जिस तरह से सर्वे किया गया, तो सर्वे तभी करेंगे ना जब एक शंका होगी कि शायद आप में कुछ गड़बड़ है। जब ये सोच दिमाग में आता है तो बॉडी में एक मैकेनिज्म हो जाता है जिसे बोलते हैं मेडिकली नोसीबो इफेक्ट। नोसीबो इफेक्ट, नोसीबो इफेक्ट एक साइंटिफिक टर्म है, प्रूवन टर्म है, मैं आपको दिखाता हूं। नोसीबो इफेक्ट जब होता है ओवर ए पीरियड ऑफ सम टाइम, कुछ महीने कुछ साल लगातार दिमाग में चलता है, और बार बार आप टेस्ट कराते हैं और टेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है जो शंका के दायरे में आ जाता है, चाहे वो असली में हो कि नहीं हो उसकी बात तो मैं अगले में करूंगा सेकंड रूल में, लेकिन वो जो शंका है वो शंका अपने आप में काफी है आपके दिल को तोड़ने के लिए। साइंटिफिकली बोलते हैं ब्रोकन हार्ट, या और साइंटिफिकली बोलते हैं टेकडो सुबो कार्डियोमायोपैथी। मतलब ये कि आपका दिल इन रियलिटी टूट जाता है। मतलब आप देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का फोटो यहाँ पे, और ये टूटने के बाद का फोटो, लोटे की तरह हो जाता है। लोटे की तरह किस तरह से हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एक एग्जाम्पल देने के लिए इस तरह से, इसे बोलते हैं जैपनीज भाषा में टेकोटो सुबो। टेकोटो सुबो मतलब कि उनके पास एक ऐसा लोटा होता है असली में जो वो नदी में डालते हैं ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए। ऑक्टोपस जैसे ही अंदर जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उनके आठों पैर फंस जाते हैं। ये तो हार्ट का एक चैम्बर का शेप इस तरह का हो जाता है, और ऐसा ही बढ़ता जाएगा तो डेथ। इस तरह की डेथ को बोलते हैं वूडू डेथ, जो साइकोसोमेटिक, आपने पिछले दोनों वक्ता ने साइकोसोमेटिक वर्ड यूज किया था, द रियल टर्म इज वूडू डेथ, राइट। तो ये लोटा मैं यहीं रख देता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट आपके सोच में दिमाग में रखिए कि बीमार है नहीं अभी, लेकिन अगर आपने ये दिमाग में रख लिए मैं बार बार टेस्ट करता हूं, दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क रखा, वो क्वेश्चन मार्क कैसे काम करता है? क्योंकि आप और मैं योगी नहीं है। योगी का मतलब मैंने अभी भगवद गीता के उससे समझा दिया था कि
कि मन हमारा एक जैसा नहीं रहेगा, इट विल गेट इन्फ्लुएंस्ड, राइट। तो अब ये जो नोसीबो इफेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिनको गहराई में जाना है वो घर जाके ये सब रेफर कर सकते हैं। ये जो लाइव है तो यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ये रेफरेंसेस आपको वो मिल जाएंगे। और लाइव का लिंक डॉक्टर अंतिम जैन आप दीदी दे देना आप सबको, आपके पास होगा सबके नंबर्स। तो जो मैं बता रहा हूँ इट इज़ इन रियलिटी। अभी मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि इंसान बीमार है या नहीं है, अभी बात सिर्फ इतना कर रहा हूँ, आप में से वो लोग जो लोग बार 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 डायग्नोसिस की बात सोचते हैं या डायग्नोसिस उनका लाइफस्टाइल का हिस्सा है कि हर महीने थायराइड चेक कराना है, साल में एक बार जनरल हेल्थ चेकअप कराना है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, दैट इज नोसीबो इफेक्ट एंड दिस इज अ रियल टर्म। एंड ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है ज़्यादातर लोगों को, ये हमने एहसास किया हमारे हॉस्पिटल्स में। इसके डिटेल में हम आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक एक करके बात करें, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आप में से कुछ लोगों ने बोले भी, 1978 तक किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल 300 से ऊपर होता था तो उन्हें बोलते थे हाई कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद 1998 आते आते 300 की जगह उसको कर दिया 240, यानी कि 240 से ऊपर किसी का कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो उनको बोल देंगे आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, और उसके बाद अभी क्या है 200, या फिर 40 साल से ऊपर कोई भी इंसान डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो ले ही लो, क्योंकि 40 साल से ऊपर इंसान बीमार ही रहता है। हर दिन जब आप वो दवाई खाते हैं, दवाई की साइड इफेक्ट तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये सोच कि मैं एक हेल्दी इंसान तो नहीं हूँ क्योंकि मैं दवाई खा रहा हूँ, नोसीबो इफेक्ट। एक दिन में नहीं होगा, एक साल में हो जाएगा। आपका हार्ट का शेप, ये लोटा यहाँ रखा हुआ है, टोकिडो सुबो, राइट। तो आप देखेंगे एक टाइम पे जो नॉर्मल वाले लोग थे, डेफिनेशन चेंज होने के बाद वो एबनॉर्मल के रेंज में अपने आप ही आ गए। रियली बीमार नहीं है, बट वो डेफिनेशन छोटा छोटा होता जाएगा तो बीमारी के दायरे में आ जाएंगे। मतलब ये जो सांसद जी बता भी रहे थे कि देखने में तो हेल्दी हैं, लेकिन अगर उनके रिपोर्ट देखो तो बीमार हैं। ये सिर्फ एक ही नहीं है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मान लो थायराइड जिनको है, अगर 2003 से पहले की बात करते हैं तो 0.1 से लेकर 6 के बीच में जो लोग हैं वो हेल्दी हैं, लेकिन ये फिर सुकड़ गया, अब 0.3 से 3 के बीच में ही हेल्दी है, यानी कि 3 से 6 के बीच में जो पहले हेल्दी थे, अब वही वाला नंबर आएगा तो बोल देंगे नहीं नहीं आपको थायराइड की गोली खानी पड़ेगी। आप खाएं या ना खाएं, लेकिन एक बार दिमाग में घुसा दिया कि आपका थायराइड ठीक नहीं है, नोसीबो इफेक्ट, वूडू डेथ बॉडी में स्टार्ट हो गया। आपने सुना भी, आपका मन और तन कनेक्टेड तो है ही, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं। तो जो लोग एक टाइम पे हेल्दी माने जा रहे थे, अब वो क्वेश्चन के दायरे में अपने आप ही आ गए। अगर आप में से कोई ये चाहता है कि डायग्नोस्टिकली आप हेल्दी रहें, तो दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, बना नहीं है, जिनके सारे टेस्ट करा दें और सबके सब नॉर्मल आ जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है।